नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे दही भिंडी। उसके लिए लगने वाला सामान, इसमें लगेगा 250 ग्राम भिंडी, करी पत्ता, हरा धनिया, बेसन, हल्दी, नमक, मिक्स मसाला, जीरा, दही, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, सरसों, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, सरसों, आधा चम्मच जीरा, फिर उसमें 3 से 4 कली लहसुन की, उसे हल्का सा ब्राउन होने दीजिए। जब लहसुन हल्का ब्राउन हो जाएगा तब उसमें आधा चम्मच अदरक डालिए और उसे थोड़ा सा पकने दीजिए। अब एक प्याज डालिए। अब इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब थोड़े देर तक प्याज को पकने देना है। फिर 2 से 3 हरी मिर्ची डालिए। फिर इसे हल्का ब्राउन होने तक रखना है। हल्का ब्राउन होने के बाद थोड़ी सी हल्दी डालिए, फिर उसे मिला लीजिए। मिलाने के बाद उसमें 5 से 6 करी पत्ता डालिए। अब इसमें हमें कटी हुई भिंडी डालना है। भिंडी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। पकने के बाद हमें इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, और अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। अब इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। सब्जी पकने तक हम एक बाउल में 1 कटोरी दही, 1 चम्मच बेसन लेके अच्छे से मिला लेते हैं। अब हमें दही को
भिंडी में मिलाना है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं। पकने के बाद मिक्स मसाला धनिया पत्ती डालकर मिला लें और इसे एक बाउल में निकाल कर सर्व करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।